गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी हैव टू लर्न हिंदी इन कक्षा 4। तो आज हम 4th स्टैंडर्ड में हिंदी पढ़ने वाले हैं। सो किड्स, लास्ट टाइम मैंने आपको एक चूहे की स्टोरी के बारे में बताया था कि चूहा जो है वो कैसा है, चतुर है, जिसने अपनी सूझबूझ से दर्जी और कशीदाकार से कैसे अपना काम निकलवा लिया। हमने देख ही लिया है पूरा चैप्टर। तो आज हम जो है वो पेज नंबर 41 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया है हमें यहाँ पे, तो हमें पहले शब्दार्थ दिए हुए हैं। तो शब्दार्थ से स्टार्ट करेंगे हम। तो मैं पहले आपको शब्दार्थ जो है वो पूरे एक्सप्लेन कर देती हूँ। और ये सारे शब्दार्थ जो है वो आपको अपनी नोटबुक में कंपलसरी सारे बच्चों को 2 times लिखने हैं, ओके? अपनी नोटबुक में। चलो, फर्स्ट है पहले कि नाप। नाप का मतलब है माप, यानी कि कोई भी चीज़ को आपको सीलना है तो उसका नाप लेना ज़रूरी है, उसका माप लेना ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी का आप माप नहीं देंगे तो वो चीज़ अच्छे से आपके माप की नहीं हो पाएगी। उसके बाद है झटपट। झटपट का मतलब है जल्दी जल्दी, यानी कि शीघ्र। झटपट करना यानी कि फटाफट करना, वो चीज़ जो है वो कैसी होनी चाहिए, फटाफट होनी चाहिए। उसके बाद है कशीदा। कशीदा का मतलब है कढ़ाई। गुजराती में उसे बोलते हैं भरतकाम, यानी कि जो हाथ की सिलाई से हम भरतकाम करते हैं तो उसे बोलते हैं कशीदा, यानी कि कढ़ाई बोलते हैं उसे। उसके बाद है फुर्सत। फुर्सत फुर्सत का मतलब है अवकाश। गुजराती में उसे बोलते हैं नवराश। नवराश का मतलब है कि ऐसा टाइम जिस टाइम में हमें कुछ भी काम नहीं है, ऐसे ही खाली बैठे हैं, कुछ करने को काम नहीं है, तो उसे बोलते हैं फुर्सत का टाइम, ओके? उसके बाद है कचहरी। कचहरी का मतलब है अदालत। अदालत को इंग्लिश में बोला जाता है कोर्ट। कोर्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, जहाँ पे लोग जो है वो अपना केस दाखिल करते हैं और अपने अपोनेंट से लड़ते हैं कुछ प्रॉपर्टी के लिए, या फिर कोई भी चीज़ है, मारामारी का केस हुआ है तो उसे बोलते हैं कचहरी, जिसे अदालत भी बोला जाता है। उसके बाद है सिपाही। तो सिपाही को बोलते हैं सैनिक। सिपाही यानी कि सैनिक, जो सिपाही किसे बोला जाता है, आर्मी मैन, जो कि आर्मी में काम करता है, ओके? और पहले के ज़माने में तो राजा जो थे वो भी सिपाही रखते थे, क्योंकि राजा जो है वो अपने मतलब जो भी देश का या फिर कोई राज्य का राजा है तो उसे चलाने के लिए उसे सिपाही की भी ज़रूरत होती थी, लोगों को संभालने के लिए और अपना खुद के बचाव के लिए। उसके बाद है कैची। कैची को गुजराती में बोला जाता है कातर। कातर, तो कातर को हिंदी में बोलते हैं कैची। उसके बाद है कशीदाकार। कशीदाकार का मतलब है सुई धागे से कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला। कशीदाकार किसे बोलते हैं कि सुई धागे का वर्क जो है, जो कपड़े पे हमें बना देता है, तो उसे हम बोलते हैं कशीदाकार, ओके? तो हम कोई भी कपड़ा अगर बाहर एम्ब्रॉयडरी करने को देते हैं तो जो वो हम एम्ब्रॉयडरी करके देते हैं तो उसे बोलते हैं कशीदाकार। उसके बाद है अभ्यास। तो अभ्यास में ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं, सारे जॉइंट्स वर्ड्स हैं। तो चलो एक बार हम पढ़ लेते हैं आपको। मैं जब पढ़ रही हूँ तो मेरे साथ साथ भी आपको पढ़ते जाना है ताकि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस हो जाए। और घर से ये सारे वर्ड्स जो है सभी वर्ड्स आपको नोटबुक में सारे वर्ड्स जो है वो 5 times लिखने हैं और बोलते भी जाने हैं। कंपलसरी सभी बच्चों को ये सारे वर्ड्स नोटबुक में 5 times लिखने हैं और बोलते भी जाने हैं। पहला है स्वच्छ। स्वच्छ स्वच्छ। उसके बाद है मच्छर। मच्छर मच्छर। उसके बाद है अच्छा अच्छा अच्छा। इच्छा इच्छा इच्छा। तो ये छ जो है वो कैसे बोला जाता है, फिर से एक बार मैं आपको सारे वर्ड पढ़ के बता देती हूँ। स्वच्छ, मच्छर, अच्छा, इच्छा। उसके बाद है ऊ। तो ऊ कैसे बोला जाता है, ये बड़ा ऊ है। बुलाऊंगा बुलाऊंगा। पिटवाऊंगा पिटवाऊंगा। जाऊंगा जाऊंगा।
तो ये बड़ा ऊ है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है तो उसके ऊपर आपको भार दे के बोलना है। कैसे बोलेंगे फिर से एक बार बता देती हूँ। बुलाऊंगा, पिटवाऊंगा, जाऊंगा, उसके बाद है ई, तो ये जो है वो बड़ा ई है, उसे कैसे बोलेंगे। कढ़ाई, कढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई, बधाई, बधाई, तो बड़ा ई का प्रोनाउंसिएशन पे ई के ऊपर भार दे के बोलना है। कढ़ाई, पढ़ाई, बधाई। उसके बाद है ध्या, ध्या, ध और या, तो उसे बोलते हैं ध्या। तो उसके लिए ये सारे वर्ड्स है, तो उसके क्या बोलेंगे। अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या। ध्यान, ध्यान। स्वाध्याय, स्वाध्याय। अध्याय, अध्याय। फिर से एक बार ध्या पढ़ के बता देती हूँ। अयोध्या, ध्यान, स्वाध्याय, अध्याय। ओके। उसके बाद है व्य, व और य का जो ज्वाइंट वर्ड्स है उसे बोलते हैं व्य। क्या बोलते हैं। व्य, व्यसन, व्यसन, व्यसन। व्यापारी, व्यापारी, व्यापारी। वायव्य, वायव्य, वायव्य। कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य। फिर से वो वाले एक बार फिर से। व्यसन, व्यापारी, वायव्य, कर्तव्य। तो ये सारे वर्ड्स, तो ये सारे वर्ड्स मैंने आपको बोल के दिखा दिए हैं। तो नोटबुक में ये सारे वर्ड्स आपको फाइव फाइंड लिखने हैं, एक वर्ड फाइव टाइम, दूसरा वर्ड फाइव टाइम, और बोलते भी जाना है ताकि आपकी राइटिंग और रीडिंग दोनों प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद है प्रश्न नंबर दो। नीचे दिए गए चित्र का मौखिक वर्णन कीजिए। मौखिक वर्णन यानी कि चित्र को देख देख के आपको सिर्फ बोलना है। जैसे कि मैं यहाँ पे दो सेंटेंस बना रही हूँ। ये चित्र हाई स्कूल का है। दूसरा है मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। अदरवाइज ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैदान में बच्चे अलग अलग खेल खेलते दिखाई दे रहे हैं। ओके। तो ऐसे सेंटेंस मौखिक वर्णन में आपको करना है। हाई स्कूल है तो हाई स्कूल के बच्चे जो है वो कितनी कक्षा के होते हैं, तो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सिर्फ मौखिक वर्णन करना है। ऐसे ही आपको ये चित्र में देख देख के सिर्फ मौखिक वर्णन करना है, यानी कि चित्र के बारे में बोलना है। उसके बाद है सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। मतलब आपको घर पे एक्टिंग करनी है, कैसे कैसे एक्टिंग करनी है। भाई एक्टिंग में तो बहुत बच्चे माहिर होते हैं ना, सीरियल देख देख के हर एक कैरेक्टर की आप एक्टिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो इसमें भी एक्टिंग करनी है, कैसे कैसे एक्टिंग करनी है। तो फर्स्ट है दौड़ना, दौड़ने की एक्टिंग करनी है। सेकेंड है तीर छोड़ना, मतलब आपके हाथ में कोई धनुष है और आप तीर छोड़ रहे हैं, वैसे एक्टिंग करनी है। उसके बाद है साइकिल में हवा भरना, तो आपके पास कोई साइकिल है उसमें हवा भर रहे हैं, वैसे एक्टिंग करनी है। उसके बाद है गन्ना चूसना, गन्ना चूसना मतलब गन्ने, गन्ने को गुजराती में बोलते हैं शेरड़ी। तो जब आप शेरड़ी खा रहे हो तो उसे कैसे चूसते हो, तो उसकी एक्टिंग करनी है। उसके बाद है पानी भरने के लिए हैंडपंप हिलाना, मतलब आप पानी भर रहे हैं तो हैंडपंप हिला रहे हैं, तो वैसे एक्टिंग करनी है। उसके बाद है लड्डू खाना, तो आप लड्डू खा रहे हो उसकी एक्टिंग करनी है। तो आपको क्या करना है, आज हमने चलाया शब्दार्थ, तो शब्दार्थ जो है वो आपको नोटबुक में टू टू टाइम लिख के उसके मीनिंग लर्न कर लेने हैं। उसके बाद ये सारे वर्ड्स नोटबुक में फाइव फाइव टाइम लिख के अच्छे से और रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। और ये दोनों क्वेश्चन में सिर्फ आपको देख देख के इसके सेंटेंस बोलने हैं और ये एक्टिंग करनी है। ओके। सो किड्स, आज के लिए बस यहाँ तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।